हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो? एकदम पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पहले इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया, रिएक्शन के बारे में बताया, और ये भी बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का भी काम करते हैं बाई मैथोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करते हैं बाई इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो तो कोई न्यूक्लियोफाइल तो आना चाहिए, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हेलो एलिकेन के बारे, हेलो एरिन्स में हम क्लोरोवेनियन के पीछे पड़े हुए हैं, एकदम नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के। अगर आप इसके एनओएच के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन का टेम्परेचर रहता है करीब 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, ये भी प्रेशर भी लगाना पड़ता है 300 ATM का, तब जाके रिएक्शन पॉसिबल होती है। यहाँ से Cl न्यूक्लियोफाइल से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर फिनॉल मिल जाएगा, प्लस यहाँ से Cl और यहाँ से Na आउट होगा तो NaCl भी मिल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिल गया? फिनोल। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन को फिनोल में बदलना है तो ध्यान रखें आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ में। दूसरा, अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन को KCl के साथ में रिएक्शन कराएं, KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, तब क्या होगा? साइनोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर आपको CN दिखाई देगा और KCl आउट होता हुआ दिखाई देगा। टेम्परेचर इस रिएक्शन का करीब करीब 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक। और अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से कराएं, टेम्परेचर प्रेशर फिर भी लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा एनिलीन, ठीक है, प्लस HCl, राइट। तो ये हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जगह ब्रोमोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन, आयडोबेंजीन हो, कोई भी हो, तो आपको प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाले हैं। ध्यान रखें, तीन रिएक्शन कराई है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, KCN के साथ रिएक्शन कराई है और NH3 के साथ रिएक्शन कराई। इलेक्ट्रोफिलिक में पांच कराए थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।